नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वरमय टाइम्स में। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिवानी शुक्ला। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भड़काऊ भाषण मामले में सीएम योगी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, नहीं चलेगा केस। राजू श्रीवास्तव के होश में आने, हाथ हिलाने की खबर झूठी, भतीजे ने किया खबरों का खंडन। राधा कृष्ण की आपत्तिजनक तस्वीर बेच बुरी तरह फंसी अमेजोन, FIR दर्ज। गुलाम नबी आजाद ने छोड़ी कांग्रेस की कमान, दिया 5 पेज का इस्तीफा, कहा राहुल ने अपरिपक्वता। आग बुझाने बिना पानी भरे ही पहुंच गई दमकल वाहन। सुप्रीम कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने के आरोप में सीएम योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। मामला 2007 का है। यूपी सरकार ने मई 2017 से इस आधार पर मुकदमे की अनुमति देने से मना कर दिया था कि सबूत नाकाफी है, जिस पर आज सेवानिवृत्त हो रहे CJI NV रमन, जस्टिस हीमा कोहली और जस्टिस सिटी रवि कुमार की पीठ ने आज इस मामले में फैसला सुनाया। राजू श्रीवास्तव के भतीजे कुशल श्रीवास्तव ने एक मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि राजू की हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन उनके होश में आने की खबर झूठी है। उन्होंने बीच में अपनी आंखें खोली थी और आज हाथ भी हिलाए, पर सिर्फ वही काफी नहीं है, उनकी सेहत धीरे धीरे सुधर रही है। डॉक्टर भी कह रहे हैं कि राजू को ठीक होने में समय लगेगा। भगवान कृष्ण और राधा जी की आपत्तिजनक तस्वीर वाले फ्रेम बेचने को लेकर ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन एक बार फिर विवादों में आ गई है। कंपनी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को कथित तौर पर भड़काने का मामला दर्ज किया गया है। दक्षिणपंथी हिंदू संगठन बजरंग दल द्वारा बुधवार को कंपनी के खिलाफ विरोध रैली निकालने के बाद मामला दर्ज किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि गुलाम नबी आजाद बीते कई दिनों से कांग्रेस आलाकमान से नाराज चल रहे थे। आजाद ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना 5 पेज का इस्तीफा सौंपा है। इस्तीफे में आजाद ने कहा कि राहुल गांधी ने पार्टी में अंतरिम लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, साथ ही सीनियर लीडर को दरकिनार कर दिया है। जशपुर नगर जिले कुनकुरी में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें जयस्तंभ चौक के पास स्थित एक 2 मंजिल ऑटो पार्ट्स की दुकान में आग भड़क गई। आग को काबू करने के लिए नगर पंचायत कुनकुरी के पास कोई संसाधन नहीं था, इसलिए जिला मुख्यालय जशपुर में आग लगने की सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल वाहन घटना स्थल पर पहुंची, लेकिन जैसे ही आग बुझाने के लिए वाहन का पंप चालू किया, चंद मिनट तक पानी की बौछार करने के बाद टंकी में पानी खत्म हो गया। इस अव्यवस्था से नगरवासियों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। घटना स्थल पर पहुंचे संसदीय सचिव UD मिंज और SPD रविशंकर ने समझाइश देकर लोगों को शांत किया। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।